हेलो बच्चों, आप सबका मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज थोड़ी डिस्कस कर लिया है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये एक नॉन केमिकल बॉन्ड है। क्या होता है? एक नॉन केमिकल बॉन्ड है और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और खास बात यह कि यह कंडीशनल बॉन्ड है। यह तभी फॉर्म होगा जब हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो किससे, या तो नाइट्रोजन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो फ्लोरीन से, और उसको अपने आसपास यही एटम्स मिले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो उनके साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वह कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, देन दिस हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम्स। देखिए बड़ा ऐसे इस मॉलिक्यूल में देखिए, नाइट्रोजन अमोनिया है, इस नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन लगे हैं। किससे लगे? कोवेलेंट बॉन्ड से लगे, सिंगल बॉन्ड से लगे, वो दिख रहा है। और इस नाइट्रोजन के बगल में कौन आ गया? दूसरा बटा आ गया। देखिए, ये आपको यहाँ भी तीन हाइड्रोजन लगे रखे हैं, तो ये जो इसका हाइड्रोजन है इस पर क्या होगा? बोलिए, इस वाले पर पार्शियल नेगेटिव, भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और बाकी जो हाइड्रोजन बचे हैं उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वाले नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इंटरेक्शन हमने आपको डॉटेड से दिखा रखा है, यही आपका है क्या? एच बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको एच बॉन्ड का, यही हमने यहाँ पर दिखा रखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा किसी से, ये वाला भी जुड़ा होगा किसी से, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होगा, ये वाला भी जुड़ा होगा, आगे में दिखाई रखा है। उसमें हमने एक और दिखा रखा है, वाटर मॉलिक्यूल में वही होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो देखिए, ये जो आपका ऑक्सीजन था, इससे जो हाइड्रोजन लगा रखे थे, वो हाइड्रोजन को जब बगल में उनके क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। तो ये जो बॉन्ड डॉटेड में गैस का दिखा रखा है, ये वाला आपका क्या है? ये वाला बॉन्ड है आपका एच बॉन्ड। क्या होता है? एच बॉन्ड, बहुत ध्यान दीजिए होगा। और ये वाला जो बॉन्ड है, जो सिंगल लाइन की है, वो क्या है? वो कोवेलेंट बॉन्ड है। वो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए हमने एच एफ में दिखा रखा है, हाइड्रोजन फ्लोरीन में ये जो बॉन्ड है आपका, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। और डॉटेड से दिखा रखा है डैश से, ये वाला आपका क्या है? ये आपका है एच बॉन्ड। ओके, तो कंडीशन है कि हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से, और उसके अपने बगल में आसपास, यानी उसी मॉलिक्यूल में या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से ऐसी कंडीशन हो कि उसको बगल में अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन मिलता है, तो उनमें जो कार्य, इसको कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड भी कह सकते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, तो वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया ब्रॉडली दो पार्ट में। कौन सा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला? इंट्रा मॉलिक्यूलर, बाहर से लेकर, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वह कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इन द सेम मॉलिक्यूल। दूसरा बच है, दूसरा टाइप आपका है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब क्या होगा? यह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है, कम से कम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है, तो वह कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यदि एक ही मॉलिक्यूल में ऐसी स्थिति है या ऐसी कंडीशन बन रखी है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो वह कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे इसको फर्दर। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े जो आपका है वो क्लासिफाई होता है फर्दर दो पार्ट में। कौन सा? होमो मॉलिक्यूलर और हेट्रो मॉलिक्यूलर। बस होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, होमो मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को बड़े बात से कंफर्म। होमो मॉलिक्यूलर मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में यदि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वह कहलाएगी होमो मॉलिक्यूलर। देखिए, सब लिखा है H2 और H2 के बीच में है, तो क्या होगी? होमो मॉलिक्यूलर। हेट्रो मॉलिक्यूलर मतलब क्या है? हेट्रो मॉलिक्यूलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बने लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे वाटर और मेथनॉल में दिखा रखा है, तो यहाँ जो होगा वो क्या हो? हेट्रो मॉलिक्यूलर होगा। अब हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं इसको, वही ध्यान से हमने लिखा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है? दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेस चीलेशन। बहुत ध्यान सुनिएगा टर्म, चीलेशन, चीलेट फॉर्मेशन होगा, मतलब कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? बढ़ेगी। चीलेट का फॉर्मेशन रिंग लाइक फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है चीलेशन इन द मॉलिक्यूल। देयरफॉर इन
इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा बहुत इस चीज को बहुत ध्यान समझिए क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जब हम बात कर रहे हैं बेटा कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चिलेट फॉर्मेशन से बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक बात तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, कंपाउंड की बात क्या की, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, वो कैसे डिसाइड करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और आपका वेपर प्रेशर, ये सब क्या है, बल्क प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होता है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिसाइड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल है इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो गया है, तो अब एक मॉलिक्यूल जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म है, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, तो अब फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का बीच में आपस में कौन सा होगा, तब वीक वंडरवॉल फोर्स लगता है जिससे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज आता है। हम उसी की बात करेंगे, पहले आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी कर लिए, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और क्या चेंजेस आएंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, यही सब हम बात करेंगे, इसी पर क्वेश्चंस आते हैं, कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करें। ओके बेटा, चलो सब करते हैं, पहले एक आध एग्जांपल लें तो चीज आपको समझ अच्छे से आएगी, कि जब तक मॉलिक्यूल ड्रॉ नहीं होगा आप कनेक्ट नहीं होंगे इससे। अगर बेटा आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा लाइक और शेयर करें। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो ये है, ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बेटा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और आपको साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉन्ड है वो क्या है, वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए बेटा दूसरा आपको दिखा रहा है मॉलिक्यूल, और ध्यान समझिए क्योंकि एक बार कोई चीज में आ गई तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिए ये आपका है, ये क्या बेटा आपका, ये आपका है मॉलिक्यूल कौन सा, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या बेटा पी मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके यहां पर क्या बेटा, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में मॉलिक्यूल में क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म हो गया, तो अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, किससे बेटा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ध्यान दीजिए, जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है उसका मॉलिक्यूल दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल से किससे जुड़ा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसके साथ साथ इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा, एंड इसमें क्या हो गया बेटा दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर सिर्फ कौन सा लग रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, अकेला लग रहा है, कौन सा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा बेटा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
समझिए ध्यान से, ड्यू टू इंट्रामॉलिकुलर, ड्यू टू इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, हम उसकी बात करें ना। देयर मेल्टिंग पॉइंट एम डॉट पी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। क्या होगा क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा क्योंकि सिर्फ वन डॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और क्या होगा, देयर सरफेस टेंशन इज लो, लो सरफेस टेंशन होगा, लो विस्कोसिटी होगी और हाई वेपर प्रेशर होगा। क्या हो गया बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट गया, कम हो गया, साथ ही सरफेस टेंशन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। ओके, फिर क्या होगा, विस्कोसिटी भी लो, विस्कोसिटी डिपेंड करती है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि बेटा यह क्या होगा, यह वेपराइज जल्दी होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा, ज्यादा ज्यादा वेपर फॉर्म होगी, इससे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है, क्या वह, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड कम हो जाएगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड कम होगा, ऑर्थो हाइड्रोफिलिक का पैरा हाइड्रोफिलिक का क्या होगा, ज्यादा होगा। देयर सरफेस टेंशन लो, ऑर्थो हाइड्रोफिलिक का सरफेस टेंशन कम होगा, पैरा हाइड्रोफिलिक का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, ऑर्थो हाइड्रोफिलिक लेस विस्कस होगा और ये मोर विस्कस होगा, गाढ़ापन। वेपर क्या होगा, हाई विस्का वेपर हाई होगा, इसका वेपर क्या होगा, लो होगा। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी और पैरा नाइट्रोफिनॉल की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी। ओके बेटा, तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया किसकी वजह से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से। कॉपी करिए बेटा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या चेंज आएगा जब उसमें फॉर्म हो क्या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब थोड़ा हम और आपको दिखाते हैं, समझिए, एक और पॉइंट समझ लीजिए। हम लोग जब रिएक्शन पढ़ेंगे वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर कभी कभी बात आएगी मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट की, खासतौर से बेंजीन वगैरह में जब हम फिनॉल का रिएक्शन पढ़ेंगे फिनॉल की, तब बात आएगी। तो हम आपको जस्ट एक बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये आपका कंपाउंड है, ओके, ये बेटा आपका क्या है, सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। बेटा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर है, पता है जब भी जो रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा तो पैरा बनेगा, ये पोजिशन खाली है। तो अब आते हैं इन दोनों में मेजर माइनर हम डिसाइड करते हैं, याद हम करते हैं ऑर्थो वाला मेजर है, पैरा वाला माइजर है, मतलब माइनर है। क्यों होता है बेटा ऐसा,
क्योंकि यहां पर फॉर्म होता है क्या, ये आपका होगा मोर स्टेबल, ये होगा एज कंपेयर टू लेस स्टेबल, इसीलिए होता है आपका वहां पर होता है मेजर प्रोडक्ट, क्या होता है यहां फॉर्मेशन होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होता है माइनर प्रोडक्ट, रीमन डीमन रिएक्शन में, रीमन डीमन रिएक्शन में टाइप प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये वाला किसमें, ये किसके लिए है, रीमन डीमन, रीमन डीमन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसी बात करना, रीमन डीमन रिएक्शन में आपका ये होता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा, सैलिसाइड और पहला हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है माइनर प्रोडक्ट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां फॉर्म होता है क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, जिसकी वजह से आपका रीमन डीमन रिएक्शन में सैलिसाइड आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और पहला हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बात करें। ओके बेटा हो गया, इधर कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड की, कौन सा बेटा आपका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बेटा आपका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाता है, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड मिला जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, तो वह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, इन सब पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखकर ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स which affects following properties of compound, होता क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह बिटवीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, इससे क्या हुआ कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में ढेर सारे और एसोसिएट हो जाएंगे, पास पास आएंगे क्योंकि बीच में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड लग रहा है, तो इससे क्या होगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज आता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर, तो जहां भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा वहां का आपका दूसरा फोर्स वंडर वॉल तो लगना ही लगना है, वो तो हर जगह लगता है, ये एक एडिशनल फोर्स क्या हो गया, एक एडिशनल फोर्स आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लगभग 30 किलो कैलोरी पर मोल होती है, तो वंडर वॉल तो लगा ही लगा, साथ में आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, चेंज है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो पहले देखिए क्या चेंज है, पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजिकल स्टेट, इससे आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। Compounds in which molecules have
इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड आर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। क्या कहना है इस कॉन्सेप्ट का? ऐसा कहना यह है कि यदि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है, वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो ज्यादातर या तो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले समझिए लिक्विड और गैस, बहुत ध्यान से समझिए भाई। हेविंग फैमिली बात करें तो HF आपका लिक्विड होता है और HCl क्या है? गैस है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इंटरमॉलिक्यूलर और HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं होता है। उसके बाद लिक्विड आपका अगला देखिए H2O और H2S। H2O क्या होता है? वेल नोन आपको बता रहे H2O लिक्विड इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर, बट आपको इसे गैस बदलना है तो आपको बॉयल करना पड़ता है उसको। और H2S क्या एग्जिस्ट करता है? गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। दूसरा देखिए NH3 बेटा क्या होता है? यह होता तो गैस है लेकिन यह इजिली लिक्विफाई, और यही इसका PH3 क्या है? नॉट इजी टू लिक्विफाई। अरे ये दोनों रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि लिक्विफाई नहीं हो सकता। PH3 के कंपेयर में NH3 को लिक्विफाई करना क्या है? रिलेटिवली इजी है। PH3 के कंपेयर में NH3 को लिक्विफाई करना इजी है। अब आप देखिए और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सॉलिड स्टेट में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉलिड स्टेट। ओके, ऐसे कंपाउंड जो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ऐसे वन आपका हो बेटा आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुगर। अब देखिए बेटा ऑर्थो बोरिक, ऑर्थो बोरिक कैसे? अब आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ा, समझिए यहां से बहुत ही ध्यान रखना है। H3BO3 भी लिखा जा सकता है और हम इसलिए और लगा रहे हैं BOH3, H3BO3 या BOH3। ये बड़ा आपको ध्यान रखिए, नॉट बेस, इज अ एसिड, ये एक लुईस एसिड है। क्या बड़ा है? यह एक ध्यान रखिए, यह क्या है? एक लुईस एसिड है, या इसको बोल सकते हैं प्रोटिक एसिड है। क्या बड़ा है? अप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन नहीं देगा। ए प्रोटिक एसिड थोड़ा दूर ए लगाओ मतलब एक प्रोटॉन देगा, और जो उससे स्टिक है बगल में लिखा है ए प्रोटिक है मतलब प्रोटॉन नहीं देगा। ऑर्थो बोरिक एसिड नाम से H3BO3 या फिर BOH3 या H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ये भी क्या होता है? इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H3PO3, H3PO4, इन सब में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगला देखिए विस्कस की बात करें, विस्कस में कौन है? वेल नोन हनी शहद विस्कस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे। फिर गम, जिंदगी वाला गम नहीं, गम जो लैटेक्स निकलता है पेड़ों से। और उसके बाद जिलेटिन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होती है CH2OH, CH2OH, CH2OH। ओके, फिर फाइबर्स देखिए,
फाइबर धागे के रूप में जो होते हैं, एग्जाम्पल वुल, वुल और डीएनए, आरएनए और बताइए और किसी में डीएनए आरएनए वुल। बट क्या ये फाइबर्स होते हैं? क्या होते हैं? फाइबर्स। और वुल थोड़ा बनता है ना, सिल्क सबसे एग्जांपल कॉटन, कॉटन क्योंकि ऊन तो सिंथेटिक होता है, वो भेड़ों से निकाला था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉटन की। ओके, तो ये क्या होगा आपके फाइबर्स है। और इसके बाद हम बात करें, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं ये तो होगा। अब क्या होगा? फिजिकल स्टेट, मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ड्यूटी ऑर्डर मॉडल क्या हुआ? यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट किया। सॉइल का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, ऑर्थोबोरिक एसिड, फॉर्मूला लिखा है आपको, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, विस्कस में हनी, गम, जिलेटिन, ग्लिसरॉल और फाइबर्स में कॉटन, डीएनए, आरएनए। वेल नोन डीएनए आरएनए में क्या होता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से क्या फाइबर्स होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए में। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्या बेटा कॉपी कर ले वो? अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से और कौन सी प्रॉपर्टी कंपाउंड की अफेक्ट हुई। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से और कौन कौन सी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की इफेक्ट हुई या कंपाउंड की इफेक्ट हुई। तो देखिए अगला जो नंबर है बेटा वो है आपका सॉल्युबिलिटी का, इसका सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट आपका है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या बेटा? वाटर में घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स विच, ये सही वर्ड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड से वर्ड है, पोलर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच मॉलिक्यूल हैव, विच मॉलिक्यूल्स हैव एनएच, ओएच एंड एनएच, ओएच एंड एफएच बॉन्ड आर सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, depends upon number of, depends upon number of hydrogen bonds। बहुत ही important लाइन है ये जो आपको समझनी है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है बड़ा, हाइड्रोजन कंपाउंड तो वाटर में डिजोल्व होगा ही होगा, उसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कंपाउंड डिजोल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर में डिजोल्वेंट कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं। हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, कौन से पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जिनके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो या फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और उनकी सॉल्युबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कितने नंबर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, किससे? वाटर मॉलिक्यूल से। जैसे देखिए आपको सिंपल से दिखा रहा हूं, NH3, RNH2, R2NH और R3। क्या ये अमोनिया है बेटा, ये प्राइमरी एमीन है या सेकेंडरी या टर्शियरी? इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है बेटा आपका? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इन
वाटर क्या हो रहा है, डिक्रीज है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ वाटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ा इसलिए घट रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर तीन हाइड्रोजन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होंगे, इसमें दो हाइड्रोजन है जो बॉन्ड फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होंगे, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्शियरी में वाटर में डिसॉल्व होता ही नहीं है। सेकेंडरी उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, प्राइमरी उससे ज्यादा, और अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे ज्यादा होगी इन चारों में। यहाँ कोई दिक्कत होता है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है, इसे कॉपी कर लिए फिर उधर बात करते हैं। अब आपको बताना चाह रहे हैं बेटा, देखिए हो गया बेटा कॉपी, आपको पता है नमक यदि कॉमन स्टार की बात है NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड, वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन उसका दूसरा हम बता रहे हैं आपको अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में NaCl से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखिए यार नोट करके लिखिए क्योंकि ये पूछा जाता है आपको, लगे क्या NaCl टिक कर दूं, इसलिए मैं इसे लिखवा रहा हूं NH4Cl, ये इसका नाम क्या बेटा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन NaCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में सोडियम क्लोराइड से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्यों? ड्यू टू अब आपसे ऑप्शन में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बेटा ध्यान रखिए, ऑप्शन में यदि आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर मिल जाए उसे मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है, वह एक बार मॉलिक्यूल में बन गया तो कण का तीर है एक बार चला घटोत्कच, फिर उनके पास दूसरा कोई तीर नहीं था जो हाइड्रोजन को चला सके। तो वैसे ही यहां पर कंडीशन है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके बेटा चलिए बात करते हैं, तो देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, ये आपका H प्लस है, ये H, ये H, ये H, ये आपका मॉलिक्यूल हुआ बेटा, हमने इसको ओवरऑल मार्कर में लिख नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, ओके तो क्या बेटा बहुत सारे, तो उसमें क्या हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा, तो वाटर जब डाला गया किसमें, पानी में अमोनियम क्लोराइड को, क्या हुआ NH4+ और Cl- टूट जाएगा, जो अमोनियम आयन है बेटा उसके चारों हाइड्रोजन किससे जुड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, देखिए कैसे ये वाला भी जुड़ेगा, ये वाला भी जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल से, ये वाला भी जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल से, तो इतने ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में NaCl से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, NaCl से क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके कॉपी कर लेना, आप देखिए आप समझिए, और उसको हम और रिवर्ट कर रहे हैं, क्या ये और कौन सी प्रॉपर्टी बची उसकी बात हम करते हैं, देखिए बेटा यदि हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, ओके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सरफेस टेंशन, और क्या होता है जहाँ विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सरफेस टेंशन विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी किसी भी कंपाउंड में उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, यदि बड़े वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इस बात पर डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ऐसा देखिए हम बात कर रहे हैं, ये क्या बड़ा आपका डाइमेथिल ईथर, क्या है डाइमेथिल ईथर, उसके बाद हमने बनाया आपका मेथेनॉल, ओके मेथेनॉल, उसके बाद हमने क्या बनाया आपको H2O, ठीक, फिर आपका है एथाइलीन ग्लाइकॉल, फिर आपका बेटा ग्लिसरॉल, क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल। अब यदि इन कंपाउंड से बात करें क्या हो रहा है बेटा आपका, हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या बेटा देखिए यहां पर हाइड्रोजन फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोजन फॉर्मेशन नहीं होगा, एक OH बॉन्ड है, इसमें दो OH बॉन्ड है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसमें बेटा दो OH बॉन्ड है लेकिन दो अलग बॉन्ड में और होगा, और इसमें तीन OH बॉन्ड है, तो इधर से इधर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसके मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ध्यान समझिए बेटा, इसी को समझ आ गई, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि हम बात करें तो ये तो खुद वाटर ही है, ये इसको छोड़ दें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर कोई दिक्कत, समझने में बहुत ही आसान, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उतनी ही ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा उसका सरफेस टेंशन होगा, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगी, और अगला एक चीज छोड़िए बेटा आपका विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, ओके। तो आपको देखना क्या है, जो भी आपको कंपाउंड मिल रखा है उसमें देखना कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, जिसमें जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा हो, ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम और चीजें करते हैं। अब कुछ बातें आपको और बताई जाए, आपने सुना होगा बेटा कि आइस क्या है, वाटर में फ्लोट करती है, तैरती है, भाई वाटर से ही आइस का फॉर्मेशन होता है, बेटा फ्रिज में जब हम पानी जमा देते हैं तो आइस बन जाती है, और होता क्या यदि आपको आइस को वाटर में डाल दें तो होता है, फिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन नोट में लिखिए क्योंकि यह क्वेश्चन आता है, density of ice is lower than water at low temperature due to formation of cavity, formation of cavity between molly, formation of air cavity, इसमें air होता है, air cavity between molecules of हाइड्रोजन, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे आर बॉन्डेड बाई इंटर
मॉलिकुलर दे आर बॉन्डेड बाय इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है लोअर प्रेशर पर। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, मैं आपको बना के दिखा रहे हैं, आप समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल लिखा बेटा हमने, ध्यान समझिएगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है। तो जब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो बेटा क्या है ये, कैविटी फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए और मॉलिक्यूल बनाएंगे तब आपको समझ जाएगा। देखिए ये क्या है बेटा, आपका ये है ना केयर कैविटी। जब केयर कैविटी फॉर्म होगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर केयर कैविटी फॉर्म हो गई तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा और मास कम हुआ, तो इसका मतलब क्या, डेंसिटी घट गई, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम होती है डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ा और मास कम हुआ, डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन होता क्या है, दूसरा पॉइंट जो बहुत पूछा जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो क्या होता है बेटा समझिए, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम because all cavity are collapse, सारी कैविटी क्या होती है, कोलैप्स होंगी। जब कोलैप्स होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सब क्या हो गया, पास पास आ गया, सब क्या है, पास पास आ गया, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। कब ज्यादा होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह भी पूछा गया है किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि कैविटी क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है। यहां तक बात हुई, अब आगे हम और कुछ कॉपी कर लीजिए, आपको कुछ और एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपसे कोई और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, यदि आपसे पूछा जाए, देखिए आपसे बता दी चले बिल्कुल दे रखा है, ये तो हाँ क्वेश्चन हम करके पढ़ते हैं। अरेंज फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, या घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, जैसे आपको दे रखा है HF, HBr, HCl और HI। देखिए बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो आपको क्या करना है, समझिए ध्यान से, इसमें क्या लगेगा, इस वाले में आपका लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, इंटर मॉलिकुलर H बॉन्ड। बहुत ध्यान समझिएगा, किसमें लगेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। बाकी ये जो तीन और बचे, इनमें कौन सा, इनके मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरमोलर फोर्स लगेगा, इनके मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करेगा बेटा इंटरमोलर बॉन्ड, साथ में वंडर वाल्स लगेगा, और जो बचे हुए आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड बचा, इनमें लगेगा कौन सा, इनमें लगेगा आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, किसके बेटा, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, मल्टी पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट HF का, आपको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे अधिक होगा HF का, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे किसका है, HI का, देन HI का, उसके बाद HBr और सबसे कम होगा HCl का। ओके, कोई दिक्कत समझने में, यानी सबसे अधिक
बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड का उससे कम, तो क्यों भाई इस तरह लिखेंगे तो दिखाई देगा, ने सबसे ज़्यादा आपका एच एफ का, देन एच आई का, देन एच बी आर का और देन एच सी एल का। तो यदि आपसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों ज़्यादा है क्यों कम है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि एच एफ में लग रहा है आपका इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और एच आई क्यों ज़्यादा है इन तीनों बेटा, क्योंकि एच आई का मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा है, वन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है किस पर, मॉलिक्यूलर वेट पर, इसीलिए एच एफ के बाद एच आई देन एच बी आर देन एच सी आर। ओके क्लियर है, इसको उठा लीजिए फिर हम और चीजें डिस्कस करते हैं। ओके ओके बेटा, अब चलिए हम आपको और दिखाते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो अगला है आपका H2O, यदि पूछा है H2O, H2S, H2SE और H2T में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्यों कम होगा। देखिए यदि हम बात करें बेटा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका यानी बीपी की बात करें, किसके बारे में बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, एस टू का सबसे ज़्यादा, देन एस टू टी, देन एस टू एस ई, देन एस टू एस। बहुत ध्यान समझिए, ऐसा इसलिए कि यहाँ होता है आपका इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ कौन सा लग रहा होता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, और इन तीनों में लग रहा है क्या वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लग रहा है बेटा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा मॉलिक्यूल का उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का, उसके बाद कौन आ गया इन तीनों में जिसका मॉलिक्यूलर ज्यादा था, उसके बाद उससे कम मॉलिक्यूलर लगा, उसके बाद उससे कम मॉलिक्यूलर लगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, तो आप पहले देखेंगे ऐसा तो नहीं कि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है, यदि ऐसा है तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और आंसर भी बहुत केयरफुली देंगे, कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लास्ट आपका है नॉन केमिकल में कौन सा वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कॉपी कर लीजिए फटाक से आपको बता दें। ओके कॉपी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड क्वेश्चन, इस पर आते हैं हम जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ आपको देखेंगे क्वेश्चन पर खूब पूछे आते हैं, और आपको ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आता है, मेल्टिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, विस्कोसिटी पर, या फिर ऑर्गेनिक में इसमें आएगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा या क्यों होगा, तो आप वहाँ देखेंगे मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे किसमें फॉर्म हो रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या होगा वो वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और जब सॉल्युबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ऐसा कौन मॉलिक्यूल है जिसमें लग रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि सब में लग रहा है तो जिसमें जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी सॉलिबिलिटी और सरफेस टेंशन क्या होगा बेटा ज्यादा होगा। तो मैं लास्ट जो इसमें आपका केमिकल बॉन्ड मतलब नॉन केमिकल बॉन्ड है वो क्या है बेटा आपका वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी हमने बात कर ली, आपको पता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मॉली कूलर वेट, ये आपको बार बार ऐसे बता रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है उसे पूछे जाते हैं। अब यह क्लासीफाई करते हैं बेटा कितने पार्ट में, वो पता है पहला आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, यह क्या ये किसमें लगता है यह अकर्स
occurs between molecules, occurs between molecules which have permanent dipole moment. Permanent dipole moment. यह उन्हीं मॉलिक्यूल्स में लगेगा जिनमें क्या हो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जैसे देखिए बेटा HCl, HCl में, HBr, HCl में, CH3OH और H2O में। आप सोचेंगे सर ये क्या है। देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो लगेगा ही लगेगा, यानी इसमें क्या लगेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा प्लस डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या लगेगा बेटा, हाइड्रोजन लगे प्लस डाइपोल, डाइपोल भी लगेगा। ओके दोनों लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी लगेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, इनके बीच में लगना है, उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। अगला बेटा क्या है आपका, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे बात से साफ साफ लग रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होगा बेटा, ये अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन विच वन हैव डाइपोल मूमेंट एंड अदर इज नॉन पोलर। यानी आधर इंडायरेक्टली एक आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा क्या होगा नॉन पोलर। जैसे देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए, एच सी एल एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसके और सी एल टू के बीच में क्या होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसका डिटेल में आप लोग जो गैसेस शीट पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे, अभी हम यहां सबको सही बता रहे हैं। या HF और F2 के बीच में, या फिर बेटा आपका CH3 COH और O2 के बीच में, यानी एक के पास डाइपोल हो दूसरे के पास डाइपोल ना हो, उनके बीच में क्या होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। सबसे लास्ट जो आपका है वो आपका क्या है लंदन फोर्स, क्या नाम उसका, लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। ये कहां लगता है बेटा, ध्यान रखिए बिटवीन नोबल गैसेस एटम्स, नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में कौन सा लगता है लंदन फोर्स लगता है। इसमें क्या होता है दोनों आपका नॉन पोलर हो, या बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे F2 and F2, Cl2 and Cl2। ओके तीन तरह का होता है वैन डेर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन। पहला आपका डाइपोल डाइपोल, जिसमें क्या होगा जिन एटम्स के बीच में, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका वैन डेर वाल्स फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। दूसरा आपका है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, उसमें क्या है एक आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा दूसरा क्या होगा नॉन पोलर होगा। यानी लगता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे हमने एग्जांपल लिखा है HCl और Cl2 में, HCl यहां पर पोलर है, Cl2 क्या है नॉन पोलर है। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा आपका लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, यह लगता है नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में और इसमें लगता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे फ्लोरीन के एटम्स के बीच में लगे, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, या क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, या बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। यदि हम इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बेटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या बात क्लियर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स क्या है एक वीक फोर्स है। इन सब फोर्स से आपकी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएंगे, इस पर क्वेश्चन पूछे आते हैं तो हम लोग जब पीरियोडिक पढ़ेंगे तो इन सब फोर्सेस की बात होगी। केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आपको इसके वीडियोस बार बार देखने हैं ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना।
भले आपको चीज आती है लेकिन तभी आप वीडियो को देखें, क्योंकि होता क्या बड़ा कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ आपसे मिस जाती है पढ़ने में, वीडियो में वो चीज़ इंक्लूड की रहेगी। ऐसा हमने पूरी कोशिश की है कि आपके जो भी सिलेबस में है वो कोई भी पॉइंट छूटे ना। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर मैसेज करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।